गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार सर आपके लिए फिर से क्लास लेकर आया हूँ। और कल की क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट को डील किया था और कल की क्लास इवनिंग में हुआ था और आज ये मॉर्निंग में क्लास मैं ले रहा हूँ। प्यारे बच्चों, कल आप लोगों ने जो फंडामेंटल क्वांटिटी को डील किया वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे फिजिक्स का वो बेसिक फंडामेंटल है और हमने आपको उसकी बहुत सारी बातें बताई थी। सबसे पहले आप लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी, सेवन टाइप का फंडामेंटल क्वांटिटी देखा, तो देयर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करेंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपने एक चीज और देखा कि इसमें दो ऐसे फंडामेंटल यूनिट हैं जो एब्सोल्यूट यूनिट हैं, और वो कौन कौन से थे बेटा? टाइम की यूनिट सेकेंड और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। वैसे केल्विन को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से एब्सोल्यूट का क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि जो सिस्टम के चेंज होने पर फिर भी चेंज नहीं होता है, जैसे MKS, CGS, FPS। तो आप ये देख रहे हो बेटा कि तीनों सिस्टम में टाइम का यूनिट सेकेंड आ रहा है, इसका मतलब ये एब्सोल्यूट है, ये चेंज नहीं हो सकता। तो अब हम बात करेंगे फंडामेंटल वैल्यू का। तो बेटा आपको मैं बताने जा रहा हूं जो फंडामेंटल हम लोगों ने डील किया, तो फंडामेंटल यूनिट का जो वैल्यू है, ठीक है, जैसे मान लो हम बात करेंगे मीटर का, और आपको पता है मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। तो वन मीटर को कैसे डिफाइन करोगे और इसकी एसआई वैल्यू क्या होगा, कैसे इसे इंटरनेशनल सिस्टम वालों ने इसे कंसीडर किया और इसे वन मीटर को ही एमकेएस या एसआई का दर्जा मिला, एक इसे वैल्यू मिला मीटर को कैसे? तो देखिए मीटर कैसे आया ये पहले हमें जानना होगा। तो मीटर को हम लोग प्योर क्रिप्टन 86, हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे एकदम सुनते रहें कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स में जो भी साइंटिफिक वर्ड है या जो भी हम क्वांटिटी यूनिट नेम जो बता रहे हैं उसे आप इंग्लिश में अगर समझेंगे तो ये बहुत ही बेहतर होगा। इसका कारण यह है कि कल जब आप डिग्री में जाएंगे, बीएससी या बीटेक बी जो भी डिग्री करते हैं बेटा, तो वहाँ आपको इंग्लिश में ही डील करना है। तो प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम के बच्चे भी लगे रहें, आपकी क्लासेस अभी सेपरेट हो जाएंगी, फिर हिंदी का अलग और इंग्लिश का अलग। तो क्लास 11 के बच्चे इस क्लास को जरूर करें, एकदम निश्चित रूप से मतलब तय कर लें कि आपको ये क्लास छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं लेकर आता हूँ और ये इंपॉर्टेंट बातें जो मैं लेकर आता हूँ ये आपके लिए लाता हूँ, बहुत मेहनत से लाता हूँ और बहुत मेहनत आपके सामने मैं कर भी रहा हूँ। तो मीटर की जो वैल्यू है बेटा ये कैसे आया? प्योर क्रिप्टन 86। तो प्योर क्रिप्टन 86 जो है ये क्या है? क्रिप्टन 86 बेटा, तो क्रिप्टन 86 आइसोटोप है। क्या है बेटा? ये आइसोटोप है। क्या है भाई? आइसोटोप है। और इससे हमेशा ऑरेंज कलर का बीम निकलता रहता है। तो शुद्ध, जिसे प्योर कहा जाता है, क्रिप्टन 86 से हमेशा क्या निकलता है? बीम निकलते हैं, रेडिएशन निकलते रहते हैं। कैसे? ऑरेंज कलर के। और वो कितनी बीम निकलती है और वो कितना दूर तक जाता है? तो जैसे बहुत सारे बीम निकलते हैं इससे और उसकी एक निश्चित दूरी होती है। अब कहीं भी मतलब आप चाहे उसका टेम्परेचर वहां का लो कर दीजिए, जो भी एटमॉस्फेरिक चेंजेस आप करेंगे फिर भी इसके वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो इतनी ही वैल्यू निकल रहा है और एक निश्चित दूरी तक जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है। तो साइंटिस्ट को लगा
कि यार ये तो एक ऐसी चीज है कि जो एकदम फिक्स है, टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। क्यों ऐसी बात कहा गया? क्योंकि बेटा आप सोचो, जो लेंथ का स्केल हम लोग मान रहे हैं, जैसे जो भी स्केल बना रहे हैं, तो इंटरनेशनल मार्केटिंग में अगर हम उसे मार्केटिंग के रूप में अगर यूज करेंगे, कमर्शियल पर्पज के लिए यूज करेंगे, तो फिर हमारे जितने कंट्री है सभी जगह टेम्परेचर अलग अलग है। जैसे आर्कटिक पर जो है, मीन्स जो पोलर वाले कंट्री है, जो पोल की तरफ है, तो वहां का टेम्परेचर तो लो है, और जो इक्वेटर पर कंट्री है वहां पर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे समझो जैसे साउथ अफ्रीका एक कंटिनेंट है, उसका मोस्टली पार्ट इक्वेटर पर है। नॉर्थ अमेरिका वो इक्वेटर लाइन के पास है। आपका साउथ इंडिया इक्वेटर के नजदीक है, ऑस्ट्रेलिया इक्वेटर के नजदीक है, तो इस प्रकार से इक्वेटर के पास टेम्परेचर ज्यादा है। और फिनलैंड हो गया, ठीक है, ये सबके पास, लंदन ब्रिटेन, ठीक है, इंग्लैंड, ये सबके पास टेम्परेचर कम है। तो ये प्यारे बच्चों ध्यान में रखो कि हम लेंथ की यूनिट मीटर कैसे पाए हुए हैं, तो हमें ये कहां से मिला, क्रिप्टन 86 जो आइसोटोप है, जिससे रेडिएशन निकलता है, ऑरेंज कलर का रेडिएशन निकलता है, और वो कंटिन्यू एक लेंथ तक जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, इस प्रकार से वो एक निश्चित दूरी जो तय कर रहा है। ये साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि ये लेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, क्योंकि इस पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन कोई भी लागू नहीं हो रहा है, किसी के द्वारा ये इफेक्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, बढ़ रहा है, प्रेशर घटाइए बढ़ाइए, लेकिन उस लेंथ पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो वो लेंथ जो आया वो एक वैल्यू के रूप में आया, वहां से कितने वेव निकल रहे थे, जो ऑरेंज कलर के वेव आ रहे थे, ऑरेंज कलर का जो वेव रेडिएशन आ रहा था वो कितना आ रहा था, ठीक है, तो वो आ रहा था कितना भाई, 16,50,763.73, 16,50,763.73। कितना बेटा वेव निकल रहा था क्रिप्टन 86 से, कितने वेव निकल रहे थे, 16,50,763.73, 16,50,763.73। तो ये याद रहना चाहिए कि 1 मीटर की SI वैल्यू कितना हो गया। तो SI वैल्यू की अगर बात करें इसकी 1 मीटर की, तो वो वैल्यू कितना हमारे पास आया, 16,50,763.73। ऐसे ही अगर हम बात करें टाइम, तो सेकंड अगर हम बात करें टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो टाइम की यूनिट सेकंड होती है, और वो कैसे मुझे मिला, तो टाइम की यूनिट सेकंड है, और वो मुझे कहां से मिला, कैसे मिला, तो आपको पता होगा जैसे कि एक घड़ी के बारे में बात किया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन भी आता है बड़े बड़े एग्जाम में कि वो कौन सी घड़ी है जिसका एरर 5000 साल तक भी नहीं आ सकता, उसमें जिसमें 5000 साल तक भी एरर नहीं आ सकता, और कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशन उस पर लागू नहीं होता, चाहे उसे समुद्र में आप रख दीजिए घड़ी को, चाहे पृथ्वी के अंदर गाड़ दीजिए, चाहे ले जाके कहीं स्पेस में रख दीजिए जहां कोई मीडियम नहीं है, फिर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो स्टैंडर्ड है, एकदम आइडियल है, और कोई एरर उसमें नहीं आएगा। तो वो कौन सी घड़ी मानी जाती है, अटॉमिक क्लॉक CGM-133। क्या नाम है उसका, अटॉमिक क्लॉक CGM-133, CGM-133 उसका नाम है, अटॉमिक क्लॉक, परमाणु घड़ी CGM-133 से एक वेव निकलता है, एक रेडिएशन निकलता है ऑरेंज कलर, वो भी क्या है, आइसोटोप है, अटॉमिक क्लॉक CGM-133 भी आइसोटोप है, और इससे भी वेव निकलता है, रेडिएशन निकलता है, और वो रेडिएशन कितना निकलता है, ये देखो, ये कहां से आया, अटॉमिक क्लॉक, ये बेटा कहां से आया, अटॉमिक क्लॉक CGM-133 से आया, और ये भी आइसोटोप है, क्या है बेटा, क्या है बच्चों, आइसोटोप है। अरे भाई आइसोटोप को तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, और आइसोटोप से भी यहां कौन सा वेव निकल रहा है,
ऑरेंज कलर का वेव यहां से एमिट हो रहा है, कंटिन्यू एमिशन हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, निकल रहा है, समझ गए ना। तो वो जो वेव निकल रहा है उसकी संख्या कैसे, मतलब कैसे माने साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट ने देखा कि परमाणु घड़ी 133 से एटॉमिक क्लॉक सीजियम 133 से कितना निकल रहा है, 91, 92, 63, 70 कितनी वैल्यू आ रही है, 91, 92, 63, 70। ये मैं मोबाइल नंबर नहीं बता रहा हूं आप लोग इस प्रकार से बिल्कुल एकदम परेशान ना हो, ये मेरा या किसी का मोबाइल नंबर नहीं है, सो डोंट थिंक अबाउट द मोबाइल नंबर। This is the value of 1 second. SI value of 1 second. 91926317700. This is the ideal SI value of 1 second. That is the unit of time. Or second, this is the ideal value. SI value जिसे आप कह सकते हैं. International system value. तो ये कैसे माने साइंटिस्ट लोगों ने? इसको कैसे मान लिया भाई? क्यों मान लिया? इतना लंबा चौड़ा वैल्यू मानने की क्या आवश्यकता थी? क्या और उनके पास कोई ऐसी उपाय नहीं थी? इसका कारण समझिए, कारण क्या है, क्यों साइंटिस्ट ने इस वैल्यू को सेलेक्ट किया या इसे कंसीडर क्यों किया, इसका कारण है और आपको जानना होगा। तो कमेंट सेक्शन में लाइक आप लिखते रहे, आपको पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लिखते रहिए, तभी मैं जान पाऊंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, वो आप तक पहुंच पा रहा है या नहीं। मेरा उद्देश्य है बेटा, मेरा ये टारगेट है कि एकदम जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता उसे मैं एकदम जानकार बना दूंगा, फिजिक्स का एकदम जानकार बना दूंगा, ये मेरा उद्देश्य है। और इसी टारगेट और इसी विचारधारा को लेकर मैं क्लास लेता हूं। तो बेटा आपने देखा कि साइंटिस्ट ने कैसे कंसीडर किया 1 second की वैल्यू एसआई में, और वो कहां से मिला, एटॉमिक क्लॉक सीजियम 133 से, और जो कितनी वैल्यू आता है 91926317701992 63 70, एकदम याद हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ याद हो गया होगा। एक बार बोल के देख लो घर पर, एक बार आंख बंद करो और बोलो 91926317701970, याद हो गया ना, याद हो जाएगा, मैं जानता हूं यू आर जीनियस और इंटेलिजेंट बॉय। और बेटा ये साइंटिस्ट कैसे माने, क्योंकि साइंटिस्ट ने ये देखा सीजियम 133 से जो वेव निकल रहा था वो इतनी वेव, कितनी, 91, 92, 63, 70 जो वेव है, इतनी संख्या, ये संख्या है, दिस इज द नंबर, इतनी संख्या में जो वेव निकल रहा था वहां एक साथ निकल रहा था, एक साथ ये वेव निकला और फिर आया, फिर गया, फिर निकला, फिर आया, फिर ऐसे, मतलब उसका एक गैप था, एक इंटरवल गैप था। जैसे मान लो एक दूरी 1 meter का है, मैं 10 meter का है, मैं तुमसे बोल दूं बेटा इस पॉइंट से वहां जाओ, फिर आओ, फिर आओ, फिर जाओ। जैसे मान लो ये रहा एटॉमिक क्लॉक, मान लो कि यहाँ पर एटॉमिक क्लॉक ये है सीजियम 133 और इससे ये वेव निकल रहा है बहुत सारा, कितना वेव निकल रहा है, 91, 92, 63, 70, फिर वो रुक रहा है, फिर निकल रहा है, फिर रुक रहा है, फिर निकल रहा है, और ये जो इंटरवल गैप था ये एक लीस्ट वैल्यू थी। और जिसे साइंटिस्ट ने देखा तो पूरे यूनिवर्स में कहीं भी ये इफेक्टेड नहीं हो रहा है, इसलिए टाइम की यूनिट 1 second एब्सोल्यूट यूनिट है। सिस्टम एमटीएस हो, सीजीएस हो, एफपीएस हो, लेकिन टाइम की यूनिट सेकंड कहीं नहीं बदलता है, सभी जगह सेकंड आ जाता है, क्योंकि ये आइडियल है, ये यूनिवर्स में क्या पूरे धरती पर कहीं नहीं बदलता है, चाहे वो आर्कटिक पे चले जाइए, अंटार्कटिका पर चले जाइए, पोलर पर रहिए, चाहे इक्वेटर पे रहिए। पोलर इक्वेटर को आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे बेटा, जैसे ये अर्थ है तो अर्थ का ये वाला जो पार्ट है ये पोलर वाला पार्ट होता है, वहां पोलर रीजन है, जितने कंट्री है, और ये इक्वेटर है, ये कौन सा पार्ट है, इक्वेटर, और हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग इधर, मतलब इक्वेटर को टच नहीं किया है, इक्वेटर हमारे कंट्री के नीचे से चला जाता है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है और इधर आपका साउथ अफ्रीका है, यहाँ नॉर्थ अमेरिका है, सॉरी इधर नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और ये तो अंटार्कटिका है जहां पर माइनस क्रिटिकल टेम्परेचर है,
वहां भी इफेक्टिव नहीं है, ये बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। तो प्यारे बच्चों क्लियर हो गया सबको, मैं जानता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वन सेकंड की वैल्यू कहां से आया। तो वन सेकंड की वैल्यू जो आपको मिला है तो वो आपको सीजियम 133 से मिला है और वो एक आइसोटोप है और जिससे कितने ऑरेंज वेव की रेडिएशन एमिट होते हैं, एमिशन होता है, कितने निकलते हैं, 91, 92, 63, 17, 70। क्लियर हो गया होगा, मैं जानता हूं सबको याद हो गया होगा, सबको। जो 9, 10, 11, 12 नहीं पढ़ता होगा अगर इस वीडियो को देख रहा है तो मैं वादा करता हूं उसे भी पता चल गया होगा कि वन सेकेंड किससे मिला, उसे भी पता चल गया होगा कि वन सेकेंड सीजियम 133 से मिला, एटॉमिक क्लॉक है और जिसकी वैल्यू 91, 92, 63, 17 होती है। मैं जानता हूं आपको याद हो गया होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर हम केजी की बात करें तो किलोग्राम, तो किलोग्राम कैसे हमको मिला जो कि मास का यूनिट है, किसका यूनिट है, द्रव्यमान का, और ये समय का, सेकंड समय का था, और मीटर लेंथ का, लंबाई का। तो बेटा केजी जो है ये किसका यूनिट है, द्रव्यमान का, मास का यूनिट है। तो ये कैसे मिला, तो ये जो है मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप जिसे प्लैटिनम इरेडियम का स्पेशल बीट है, किसका स्पेशल बीट है, प्लैटिनम इरेडियम का स्पेशल बीट है। और मेरे प्यारे बच्चों ये कहां रखा है, ये इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट पेरिस में रखा है। तो इंटरनेशनल ब्यूरो वेट एंड मेजरमेंट एक संग्रहालय है जो कि पेरिस में है, पेरिस के नजदीक है या पेरिस के आसपास है, वहीं पर ये रखा गया है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि इफ यू टेक 1 लीटर ऑफ वाटर एंड पुट एट द 4 डिग्री सेल्सियस, सो दिस इज द गिवन आर मेजरमेंट आफ्टर, दैट इज द गिवन 1 किलोग्राम वैल्यू। तो यदि आप 1 लीटर वाटर को, कितने वाटर को, 1 लीटर वाटर को बेटा 1 लीटर पानी को कितने डिग्री पर रखेंगे, एट 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप रखते हैं या उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो फिर वो कितना वैल्यू देगा, 1 केजी, इसके बराबर हो जाएगा 1 केजी। ये भी एसआई वालों ने ही दिया है, एसआई ने इसे कंसीडर किया है, ये इंटरनेशनल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, इंटरनेशनल वैल्यू है। इसी प्रकार से बेटा मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने मीटर को देखा, मीटर कहां से आया, प्योर क्रिप्टन 86 से आया जो कि आइसोटोप है, उससे कितनी वैल्यू मिलता है, मीटर की कितनी वैल्यू एसआई है, 16,50,763.73, और ये किसका यूनिट है बताइए, मीटर लेंथ का, टाइम की यूनिट सेकंड है, टाइम की एसआई वैल्यू जो सेकंड की है वो कहां से मिला, एटॉमिक क्लॉक सीजियम 133 से, जो आइसोटोप है ऑरेंज कलर का वेव उससे कंटिन्यू निकलता है, और कितनी वेव की संख्या है, 91, 92, 63, 1770, ये उसकी वैल्यू है। और 1 किलोग्राम ये प्लेटिनम इरेडियम का स्पेशल एलॉय, प्लेटिनम इरेडियम एलॉय है, इसका स्पेशल बीट जो है वो कहां पर, मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप माना है इसे, और इंटरनेशनल सिस्टम ने इसे इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट पेरिस में रखा गया है, संग्रहालय, ठीक है ना, तो एकदम क्लियर है। ओके, तो बेटा अगर ये क्लास आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि सारी चीजें आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। फिर आगे मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, आगे आपको अभी मैं टेम्परेचर की यूनिट केल्विन के बारे में बताऊंगा और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर, उसकी एसआई वैल्यू बताऊंगा, और उसके बाद कैंडिला, कैंडिला किसका यूनिट है, लुमिनस इंटेंसिटी का, और उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 मोल को नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करेंगे। और तब तक के लिए आप एकदम रेडी हो जाइए। और एक चीज मैं बताने जा रहा हूं कि बेटा क्लास 12th की क्लासेस आज इवनिंग में चलेगा, आज से इवनिंग में हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे रेडी हो जाएं, क्लास 12th की क्लासेस आज से स्टार्ट होंगी। और एक रिक्वेस्ट और, यदि आपको मेरा ये क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों,
कम से कम लाइक, कमेंट और शेयर अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, उन्हें भी ये जानकारी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।